अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो अभी अभी मैं उठा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ दोस्तों बाहर, तो आपको दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ, तो ये देखिए अपने पिजन अंदर बैठे हुए हैं। तो वाइट टेल है दोस्तों, लाल परी और ब्लैक प्रिंस वो कोने में बैठा हुआ है। तो दोस्तों हमारी मोना चली गई है, तो वो भी आपको बताएँगे किस तरह जा चुकी है। तो ये देखें दोस्तों हमारी बकरी बैठी हुई है। तो घास पहले हमने डाला था वो सामने पड़ा है, तो इसने थोड़ा सा खाया है और बाद में बैठ गई है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, वो सामने देखें इसकी बेटी रानी बैठी हुई है। तो रानी को दोस्तों दिखाते हैं आपको, ये देखें बहुत ही प्यारी और क्यूट है रानी। तो चलो उठ जाओ, तो इसको उठाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका होना। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसके अंदर ब्लैक कलर और जो सफ़ेद कलर है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। ये अपनी माँ पर तो नहीं गई है, लेकिन कुछ कलर इसका अपनी माँ पर गया है और कुछ कलर दोस्तों इसका बाप पर गया होगा। तो ये देख सकते हैं, हाँ जी क्या हुआ है, पूँछ हिला रही है। तो आपको दोस्तों बताते चलें कि ये दोस्तों जो पिंजरा इधर मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर रख दें, मेरे ख़्याल में इधर सही रहेगा, ये जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ, तो ये यहाँ सही रहेगा। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि मोना हमने क्यों दे दी। दोस्तों मोना का एक नर था हमारे पास, ऑलरेडी दो नर थे, तो इस वजह से हमने वो दे दी। तो दोस्तों अभी मुझे याद आया है कि मैंने अपनी मुर्गी के नीचे डक के अंडे रखने हैं, तो चले देखते हैं। तो अभी मैं दोस्तों ले आ चुका हूँ डक के अंडे। तो ये देख सकते हैं मुझे चार ही मिले, मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि ज़्यादा मिल जाए मुझे अंडे। ये देखिए दोस्तों, इनमें से दो ये छोटे हैं दो, और ये साइड वाले दो बड़े हैं, ये अलग अलग बत्तखों के हैं। तो अभी मुर्गी आ चुकी है, तो मुर्गी के नीचे रखेंगे इनको। तो पहले भी इस मुर्गी के नीचे ये देख सकते हैं मुर्गी के अंडे हैं, तो इसके नीचे रखेंगे। एक रख दिया मैंने, तो ये दूसरा रख दिया, तो चार दोस्तों इनके ऊपर मैंने निशानी लगा दिया ताकि पहचानने में कोई मसला ना हो। तो चार अंडे हम टोटल रखेंगे, अल्लाह करेगा कि सभी में से डक्स के बच्चे निकल आए, और बहुत ही क्यूट होते हैं डक्स के बच्चे छोटे छोटे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए करें, मेहनत से बनाते हैं, आपके सपोर्ट की वजह से ऊपर जाएंगे। तो अभी इसको इसकी जगह पर रख देते हैं, क्योंकि बाहर रखेंगे तो कोई इनको ख़तरा होगा बिल्ली वगैरह का, तो ये इस चरपाई के नीचे रखते हैं कमरे के अंदर, यहाँ दोस्तों ये सेफ रहेगी। ये देखे मैंने रख दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।